हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्त? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक एंड फिट फाट हो। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हो कि अगर आपके फेसबुक अकाउंट में लॉगिन अप्रूवल नीडेड वाला प्रॉब्लम आता है, जैसे आप लोग नीचे कंटिन्यू वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास इस तरह का और ऑप्शन शो होगा, अप्रूव योर लॉगिन ऑन अनदर कंप्यूटर, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा आगे इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ सिखाने वाला हो। तो इसलिए आप लोग वीडियो एंड तक जरूर वॉच कर देना, ठीक है? लेकिन वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, और ये रिक्वेस्ट बिल्कुल फ्री है, आपको कोई खर्चा नहीं लगेगा और हमारा काफी हौसला अफजाई हो जाएगा। छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर टेक्निकल मोहल्ले चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाला बेल आइकन को ऑल पर भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारे हर आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलेगा। तो चलते बिना टाइम वेस्ट अपने टॉपिक की तरफ। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपना मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ओपन कर देना, और फिर इसमें आप लोग अपना अकाउंट भी लॉगिन करो। मैंने पहले से एक अकाउंट लॉगिन कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस अकाउंट में लॉगिन अप्रूवल नीडेड वाला प्रॉब्लम आया हुआ है, और नीचे यहाँ पर आप लोग प्रोफाइल पिक्चर और नेम भी देख सकते हैं। तो चलो कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सेंटर पेज आते हैं और यहाँ पर वही ऑप्शन शो होगा, अप्रूव योर लॉगिन ऑन अनदर कंप्यूटर। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा इस वीडियो में आप लोगों को तीन स्टेप सिखाने वाला हो, तो आप लोग कान खोल कर मेरे बात गौर से सुन लो। फर्स्ट नंबर स्टेप में आप लोग इस ऑप्शन से अप्रूव हासिल कर सकते हैं, तो आप लोग यहाँ से कंटिन्यू कर देना, और आप लोगों के पास जो फोन शो होगा या कंप्यूटर वाला ऑप्शन शो होगा तो वहाँ से आप लोग अप्रूव कर देना। मतलब पहले से आप लोग अपना अकाउंट किसी भी जगह में लॉगिन कर दिया, चाहे आप लोग ने ब्राउजर में लॉगिन कर दिया, लाइट में लॉगिन कर दिया या कंप्यूटर में लॉगिन कर दिया, तो अभी आप लोग वहाँ से लॉगिन कर देना और आपका अकाउंट का जो अप्रूव था वो हासिल हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर स्टेप ये है कि आप लोग अपना मोबाइल से आईडी मुकम्मल तौर पर लॉग आउट कर देना, और फिर आप लोग 10-12 दिन तक इंतजार कीजिए, उसके अंदर आप लोग अपना अकाउंट दोबारा लॉगिन नहीं कर देना। जब 12 दिन पूरा हो जाएगा और उसके बाद आप लोग अपना अकाउंट लॉगिन कर दिया तो हो सकता है कि आपके अकाउंट में ऑप्शन चेंज हो जाएगा। तो चला बात है थर्ड नंबर स्टेप की तरफ, तो यहाँ से आप लोग दोबारा बैक आ जाना, और बैक आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लर्न मोर, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। तो चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये सेंटर पेज आते हैं, तो ये पेज आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर देना, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आते हैं वाज दिस हेल्पफुल, और जो साइड पर नो है तो आप लोग नो के ऊपर क्लिक कर देना। नो के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर लास्ट नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो अदर, तो चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। और उसके बाद ये सेंटर पेज आते हैं, तो यहाँ पर आप लोग टाइप कर देना दिस इज माई फेसबुक अकाउंट बट नॉट अप्रूव माई अकाउंट टू अनदर फोन और कंप्यूटर, प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और ये आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पर ये मैंने एंटर कर दिया, और उसके बाद फिर आप लोग सबमिट कर देना। तो चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से जो अपील था वो बिल्कुल सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। बस इतना काम करने के बाद आप लोग और कुछ नहीं करो, इंतजार कीजिए 24 आवर से लेकर 48 आवर तक, तो आप लोग मेरे इन तीन स्टेप फॉलो कर देना और आप लोगों का जो अकाउंट था वो जरूर ओपन हो जाएगा। तो ये होगा आज की वीडियो, अगर आप लोगों को मेरा आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।